Oh, could not use the quick selection because there is not enough memory or RAM. हाँ, हालांकि मेरा लैपटॉप में इनफ रैम है, फिर भी ये मैसेज दिखा रहा है। ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ होता है। जब एडोबी फोटोशॉप नया नया इंस्टॉल होता है, तो ये प्रॉब्लम कुछ होता है। तो देखते हैं, रैम नया ना खरीद के, नया रैम ना लगा के कैसे वर्चुअली ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जाए। चलिए चलते हैं प्रॉब्लम सॉल्व की तरफ। तो पहले इस ये विंडो को क्लोज कर देते हैं हम लोग, क्योंकि बाद में इसको फिर से रिस्टार्ट करना है। देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। उसके बाद चलना है, ये जो स्टार्ट बटन है, इसके बाजू में जो सर्च ऑप्शन है, इसके अंदर लिखना है रेज एडिट, यानी कि रजिस्ट्री एडिट। रेज एडिट लिखने के बाद ये जो आइकन है इसके ऊपर करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद करेंगे यस। उसके बाद देखेंगे इतना सारा एच की दिया हुआ है, तो ये सब देखने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग खाली देखेंगे एच की करंट यूजर। इसके अंदर जाएंगे, एच की करंट यूजर के अंदर देखेंगे सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के अंदर जाएंगे, उसके बाद जाएंगे एडोबी में। देखिए एडोबी फोटोशॉप एक एडोबी का ही प्रोडक्ट है, इसलिए इसके अंदर ही रहेगा। एडोबी के अंदर जाएंगे, देखेंगे फोटोशॉप कहाँ पर है। हाँ मिल गया, फोटोशॉप यहाँ पर है। यहाँ पर देखते हैं दो फोटोशॉप है, एक फोटोशॉप 7 भी दिखा रहा है, क्योंकि मेरा सिस्टम में फोटोशॉप 7 पहले था, इसलिए फोटोशॉप 7 भी दिखा रहा है। तो फिलहाल फोटोशॉप अपग्रेड वर्जन है, इसलिए जाएंगे फोटोशॉप में। उसके बाद देखेंगे कि ये जो फोल्डर है ना, इसके ऊपर करेंगे सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक करने के बाद, सिंगल क्लिक करने के बाद ये बहुत सारा कुछ दिखा रहा है, ये सब देखने का जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक स्पेस में करेंगे राइट क्लिक। उसके बाद न्यू में जाकर डी वर्ड 32 बिट वैल्यू, इसमें क्लिक करेंगे। इधर देखते हैं न्यू वैल्यू हैश 1 करके कुछ आया, इसमें रीनेम करना है। क्या लिखना है, ओवरराइड फिजिकल मेमोरी MB। ओवरराइड का ओ कैपिटल, ओवरराइड फिजिकल का पी कैपिटल, मेमोरी का एम कैपिटल MB। इसके बाद बाहर क्लिक करेंगे। बाहर क्लिक करने के बाद अब इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद जाएंगे मॉडिफाई में। मॉडिफाई में जाने के बाद देखेंगे एक बेस है हेक्साडेसिमल और डेसिमल। तो ये बाद में हम लोग कभी कुछ वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल ये जरूरत नहीं है, हेक्साडेसिमल ही रहने देते हैं। ये जो वैल्यू डेटा है, ये वैल्यू डेटा को जीरो को, वैल्यू डेटा के अंदर जो जीरो है इसको करेंगे 240। अब करेंगे ओके, बस हम लोगों का काम हो गया। ये विंडो करेंगे क्लोज। अब फिर से एडोबी फोटोशॉप खोलेंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है एडोबी फोटोशॉप खोलने के लिए, थोड़ा धैर्य रखिए। देखिए अभी फोटोशॉप ये खुल गया, इसके अंदर जो है फोटो को लेके आएंगे। देखिए फोटो आ गया। अब इसके बाद पिछले जो जो टूल लेकर हम लोग काम किए थे और जो प्रॉब्लम आ रहा था, देखेंगे फिर से वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। क्विक सिलेक्शन टूल में करेंगे राइट क्लिक। उसके बाद जो दो ऑप्शन आएगा उसके अंदर क्विक सिलेक्शन टूल में क्लिक करेंगे लेफ्ट क्लिक। उसके बाद देखेंगे वो प्रॉब्लम दिखा रहा है कि नहीं। वाओ, नहीं दिखा रहा है, हो गया डन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा
तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।